नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खबरें अब तक का। आज खबरें अब तक में बात होगी मायावती के मास्टर स्ट्रोक की, वन नेशन वन इलेक्शन पर बड़े दावे की और लखनऊ विश्वविद्यालय में की गई पीएम मोदी की आरती की। ऐसी ही तमाम रिपोर्ट्स पर करेंगे बात और साथ ही साथ बताएंगे आज कौन सी खबरें रही सुर्खियों की वजह। साथ ही साथ हम आपको इस वक्त की हेडलाइन से रूबरू करवा देते हैं। खाड़ी देशों से अकेले जंग लड़ने वाला इजराइल हमास के सामने झुका। इजराइल ने युद्ध खत्म करने की पेशकश की है। इजराइल का कहना है कि अगर सभी बंधकों को एक साथ रिहा कर दिया जाए, गाजा को निरस्त्र कर दिया जाए तो सिनवार को जाने दिया जाएगा। हाल ही में वॉशिंगटन में चर्चा किए गए प्रस्ताव में गाजा पट्टी के लिए नई व्यवस्था की भी बात कही गई है। बंधकों के रिश्तेदारों ने योजना की सराहना की, लेकिन हमास के अधिकारी ने इसे हास्यास्पद बताकर तुरंत खारिज कर दिया। तिरुपति लड्डू विवाद पर भड़के जगतगुरु शंकराचार्य। तिरुमाला वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मिलावटी प्रसाद मामले पर जगतगुरु शंकराचार्य प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि तिरुपति मंदिर के प्रसाद मिलावट मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी सहित अन्य आरोपियों को सूली पर चढ़ाया जाए। जगतगुरु शंकराचार्य प्रज्ञानंद सरस्वती महाराज ने कहा, प्रसाद सिर्फ आहार नहीं है, धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है, हिंदू धर्म के लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया है, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास है, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सनातन धर्म की अस्मिता के साथ बलात्कार है। हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। इस्तीफे के बाद केजरीवाल का पहला रोड शो। हरियाणा में आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने एक रोड शो में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोई भी सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बनेगी। केजरीवाल यमुनानगर के जगाधारी में बोल रहे थे। दिल्ली सीएम पद से इस्तीफे के बाद ये उनका पहला राजनीतिक कार्यक्रम है। बता दें कि अगले दो हफ्ते में अरविंद केजरीवाल हरियाणा में 10 से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए रोड शो करेंगे। महिला के गुस्से के आगे नतमस्तक हुए एमपी के मंत्री प्रद्युमन तोमर, छू लिए पैर। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर बारिश के पानी से भरे इलाके में जनता के बीच पहुंचे। ग्वालियर के विनय नगर इलाके में महिला ने बारिश के भरे पानी का गुस्सा ऊर्जा मंत्री पर ही उतार दिया। महिला ने नाराजगी जताते हुए ऊर्जा मंत्री को जमकर खरी खोटी सुनाई। गुस्सा देख ऊर्जा मंत्री ने तुरंत महिला के पैर छू लिए। सेंसेक्स में 1360 और निफ्टी में 375 अंकों की उछाल के चलते ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ भारतीय शेयर बाजार। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र भारतीय शेयर बाजार के लिए ऐतिहासिक साबित हुआ है। मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में रौनक लौट आई है। आज का कारोबार खत्म होने पर बीएसई सेंसेक्स 1359 अंकों की उछाल के साथ 85544 और निफ्टी 375 अंकों के उछाल के साथ 25790 के ऑल टाइम हाई पर क्लोज हुआ है। हेडलाइंस के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेडलाइंस के बाद वक्त हो गया है वायरल वीडियो की तरफ रुख करने का। सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जो आपको झकझोर देगी। भुवनेश्वर से सेना के एक मेजर की मंगेतर अंकिता प्रधान ने पुलिस पर ऐसे आरोप लगाए हैं जो आपको सन्न कर देंगे। दरअसल 15 सितंबर को रात तकरीबन 1 बजे अंकिता नाम की लड़की अपने मंगेतर सेना के मेजर गुरवंत सिंह के साथ अपने रेस्टोरेंट को बंद करके घर लौट रही थी। घर लौटते समय कुछ बदमाशों ने अंकिता की कार का पीछा किया और धमकी भरे कमेंट पास किए। अपनी जान को खतरा होने के कारण अंकिता और उसके दोस्त शिकायत दर्ज कराने भरतपुर पुलिस स्टेशन गई। पुलिस स्टेशन में नाइटी पहने एक महिला कांस्टेबल मौजूद थी और वहां कोई और नहीं था। अंकिता और उसके दोस्त ने बदमाशों के बारे में बताया और शिकायत दर्ज करवानी चाहिए, लेकिन महिला कांस्टेबल ने उन्हें एफआईआर दर्ज करवाने से मना कर दिया और इसके बाद महिला के साथ जो हुआ वो आप खुद सुनिए इस वीडियो में। 15th को रात को अराउंड 1 o'clock 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी।
उनसे जैसे भी बच बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पर और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर और बाकी मेल ऑफिसर्स आए, उन्होंने गुरुवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते हैं कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक दो फीमेल ऑफिसर्स ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रहे, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे, और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए, और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। देखा जाए तो अगर इस महिला के आरोपों को सही पाया जाता है तो वाकई भरतपुर पुलिस स्टेशन के कर्मियों ने हैवानियत और गंदी हरकतों की सारी हदें पार कर दी। ओडिशा हाईकोर्ट द्वारा अंकिता को जमानत पर रिहा किए जाने के बाद उसने आज पहली बार भरतपुर पुलिस स्टेशन पर अपनी आपबीती सुनाई है, जिसको सुनने के बाद हर कोई सन्न रह गया। फिलहाल इसी के साथ हम रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। एक समय था जब उत्तर प्रदेश समेत देश भर में दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए बहुजन समाज पार्टी यानी कि BSP का गठन किया गया था, जिसने मायावती की पार्टी के तौर पर पहचान बनाई। हालांकि एक दशक में पार्टी का प्रदर्शन लगातार घट रहा है, परंपरागत वोटर भी पार्टी से कटने लगे हैं। इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती को एक बार फिर लोगों के बीच स्थापित करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मायावती ऐसा प्लान बना रही है जिसके दम पर यह सोचा जा सकता है कि वो CM योगी और अखिलेश यादव को मात देने का दम भर सकती हैं। दरअसल जमीनी स्तर पर पार्टी के आधार को मजबूत करने के लिए बैकवर्ड और माइनॉरिटीज कम्युनिटी सप्लाई फेडरेशन यानी कि एम्प्लॉय फेडरेशन को फिर से सक्रिय करने की रणनीति तैयार की जा रही है। वो कैसे ये भी बता देते हैं। कमेटियों का नए सिरे से गठन किया जाएगा। बामसेफ को रिलॉन्च किए जाने के संबंध में पार्टी पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए। हर जिले में बामसेफ को एक संयोजक और 10 से संयोजक दिए जाएंगे। विधानसभा क्षेत्र स्तर पर भी संयोजक रखे जाएंगे। बसपा को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने के लिए दलितों, पिछड़ों और वंचितों के साथ मुस्लिमों और ब्राह्मणों को जोड़ने का अभियान चलेगा। हर जिले में मुस्लिम और ब्राह्मण भाईचारा कमेटियां होंगी। देखा जाए तो बसपा की तैयारी है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव के PDA की काट के लिए
दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों और ब्राह्मणों को खड़ा किया जाए। वहीं पार्टी में तीन मंडलों पर बनाए गए एक सेक्टर की व्यवस्थाओं को समाप्त करते हुए फिर मंडलीय व्यवस्था लागू की गई है। हर मंडल पर एक मुख्य कोऑर्डिनेटर होगा और सहयोग में 3 से 4 कोऑर्डिनेटर रखे जाएंगे। विजय प्रताप, शमशुद्दीन राइन, अखिलेश अंबेडकर और मौजी लाल गौतम को लखनऊ मंडल का जिम्मा दिया गया है। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट ने एक मीटिंग वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाने के लिए की। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि सरकार इससे संबंधित बिल को कब संसद में लाएगी। सरकार का इरादा इस बिल को पेश करने से पहले इस पर चर्चा कराने का है। सरकार के रुख के बाद ये सवाल जायज है कि अगर ऐसा बिल संसद में आया और कानून बन गया तो चुनावों में कितना खर्च कम हो जाएगा। मोटे तौर पर इस साल के शुरू में भारत में जो लोकसभा चुनाव हुए उन पर 1,00,000 करोड़ का खर्च आया। ये आंकड़ा चुनाव आयोग का ही है, लिहाजा मान सकते हैं कि ये खर्च कुछ ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये तय है कि ये लोकसभा चुनाव 2024 दुनिया का सबसे महंगा चुनाव था। ऐसे में भारतीय चुनाव रिकॉर्ड तोड़ खर्चीले तो होते ही हैं, साथ ही साथ काफी लंबे दिनों में पूरे होते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का दावा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने से खर्च में काफी बचत हो सकती है। इस बचत को लेकर अनुमान है एक राष्ट्र एक चुनाव से अलग अलग चुनावों पर होने वाले व्यय में तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुमान के मुताबिक चुनावों की आवृत्ति कम करने से 7,500 करोड़ रुपए से लेकर 12,000 करोड़ रुपए तक की बचत हो सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चुनावों के संचालन में किए जाने वाले कुल व्यय का तकरीबन आधा हिस्सा बचेगा। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रशासनिक मशीनरी और सुरक्षा बलों पर दबाव को भी कम कर सकता है। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन के दिशा में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार इसको लेकर अब पार्लियामेंट के विंटर सेशन में बिल लेकर आएगी। उससे पहले सभी पार्टियों के साथ बात करके इस मुद्दे पर आम राय बनाने की कोशिश होगी। हालांकि सरकार इसमें कितना कामयाब होगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मनाने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अलावा विश्वविद्यालय के कुलपति आलोक कुमार भी दिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी की तस्वीर के बगल में एक महिला संस्कृत गीत के जरिए नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकारी संस्थानों पर आरएसएस के कब्जे का आरोप लगाया है। सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी लगातार कहते हैं संस्थानों में आरएसएस के लोग भरकर कब्जा किया जा रहा है। बात लखनऊ यूनिवर्सिटी की है। चांसलर, राज्यपाल आनंदीबेन वीसी, आलोक कुमार ये नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उनकी तस्वीर की आरती उतार रहे हैं। ये क्या खाक पढ़ाएंगे? दरअसल वीडियो 17 सितंबर का बताया जा रहा है, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। विश्वविद्यालय में इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वीडियो भी आप देख लीजिए। Thank you.
फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट्स, लेकिन इसके अलावा आज देश दुनिया में क्या हुआ खास वो भी बता देते हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। इसी बीच आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने यमुनानगर के जगाधारी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो के साथ हरियाणा में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। ये 11 जिलों में 13 निर्धारित रैलियों से पहली थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने DCW की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की दिसंबर 2022 में उनके खिलाफ आरोप तय करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है। मामला DCW में कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। वहीं इसके अलावा तिरुपति मंदिर में भी प्रसाद में पशु की चर्बी का मामला सामने आया है, उसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। गुजरात की लैब की रिपोर्ट के मुताबिक जिस घी से तिरुपति का प्रसाद बनाया जाता है उसमें पशु चर्बी और मछली के तेल के अंश पाए गए हैं। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व आंध्र प्रदेश सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन YS शर्मिला ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर तत्काल CBI जांच के आदेश देने के लिए अनुरोध किया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाते जाते एक बात आपसे जरूर करेंगे। भारत में साल 2011 के बाद जनगणना तो हुई नहीं, लेकिन हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और मानव विकास संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत भारत रोजगार रिपोर्ट जरूर है। भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, इसीलिए इस रोजगार रिपोर्ट के मुताबिक उसकी कार्यशील आबादी भी बढ़कर तकरीबन 65% हो गई है। भारत के एक युवा देश होने से हमें पहले खुशी हो सकती है, लेकिन फिर हाई GDP और साथ ही साथ वृद्धि बनाए रखने और स्थायी रोजगार पैदा करने की जिम्मेदारी भी अब हम पर ही आ जाती है। ये स्थिति साल 2036 तक भारत की कार्यशील आबादी के 65% तक हो जाने तक जारी रहेगी। सवाल यह है कि हमें जितनी नौकरियां पैदा करने की जरूरत है क्या हम उतनी कर पा रहे हैं, क्या हमारी सरकार उतनी नौकरियां पैदा कर पा रही है, यह चिंता का विषय है। भारत की कामकाजी आबादी में केवल 50% युवा ही आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो पा रहे हैं और 2022 तक तो इसकी संख्या गिरकर 37% तक आ गई थी। और इसमें महिलाओं की क्या स्थिति है क्या आपको पता है? अप्रैल जून 2024 तिमाही के लिए लेबर फोर्स सर्वेक्षण के आंकड़ों ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में तो मामूली गिरावट आई, लेकिन नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी पहले की तुलना में और कम हो गई है। इसीलिए देश में ऐसा माहौल बनाना बहुत जरूरी है जिसमें महिलाएं काम के लिए सुरक्षित महसूस कर सके। सच्चाई ये है कि हम केवल सेवा क्षेत्र के भरोसे विकास नहीं कर सकते, हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी आसान कर्ज देकर नियम कायदों का दबाव घटाकर बढ़ावा देने की जरूरत है। नौकरियां पैदा करना आज सरकार की सबसे पहली जवाबदेही है। युवावादी की ताकत को अपने लिए एसेट में बदलना जरूरी है। फिलहाल इसी के साथ जाते जाते पेश है आज का सुविचार। जब अंधविश्वास मनुष्य की शिक्षा पर हावी हो जाता है तो वो मानसिक गुलाम हो जाता है।